के दिग्रस तहसील के लाख राइजी गांव के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग से 3 बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि इस वारदात के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने वारदात में शामिल एक बदमाश को धर दबोचा है और अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। सोमवार को दिन दहाड़े दिग्रस शहर के हिंदू स्मशान भूमि के पास लूटपाट की एक वारदात सामने आई है। दिग्रस पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तहसील के लाखरायजी निवासी 70 वर्षीय नवाब खान दायम खान पठान सोमवार को अपने पड़ोसी अयाजुद्दीन काजी की दुपहिया से खेत खरीदने के लिए 2.5 लाख नकद और चेकबुक से भरी एक बैग लेकर आर्नी मार्ग से दिग्रस की ओर जा रहे थे। इस बीच आर्नी दिग्रस रोड पर टुपटाकली गाँव के पास 3 अज्ञात दुपहिया सवारों ने अयाजुद्दीन काजी की दुपहिया को कट मारा, जिसके बाद कहा सुनी हुई, लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और शहर के हिंदू स्मशान घाट के पास बाइक सवार युवक अयाज काजी और बुजुर्ग नवाब खान को रोका और फिर विवाद उत्पन्न किया। इस दौरान दुपहिया चालक अयाजुद्दीन काजी के साथ मारपीट भी की गई और नवाब खान दायम खान पठान को धक्का देकर बदमाशों ने उनसे 2.5 लाख रुपए से भरी बैग छीन ली और वे फरार हो गए। इस घटना से आहत बुजुर्ग नवाब खान पठान ने दिग्रस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और यहां मौजूद पत्रकारों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। गाँव से निकले, जब अयाज काजी की संगत निकली, अयाज काजी मोटरसाइकिल चला रहा था, मैं उसके पीछे पैसे लेके पीठ के पीछे रख के ऐसा बैठा हुआ था होगा, और वहाँ से उन्होंने कट मारे और सामने गए। सामने जाने के बाद में और कट मार के उनको गिराए, हमको आया काजी भी गिरा, मैं भी गिरा। फिर पीछे से दो मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल वाले ने हमको उठा के खड़े करे। इसको बोला, मैंने बोला पुलिस थाने में फ़ोन लगा, नहीं तो उसका जो मोबाइल ये नंबर है, गाड़ी नंबर, वो गाड़ी नंबर ले एंड पुलिस थाने में फ़ोन लगा। नहीं लगाएंगे ना सामने, फिर तू लगाएंगे ना सामने, कैसा क्या बोल रहा। फिर बोला वो होगा। फिर यहाँ मशान भूमि करने आए, मशान भूमि करने आए तो ए गाड़ी रख, गाड़ी रोको, वो बोल रहे हो चोर। बोला इसने गाड़ी काय को रोकना था, फिर आज का जी ने गाड़ी काय को रोकना था, गाड़ी सीधी लेना था सनसन रोड से, गाड़ी रोका। वो आईना था ना, आईने में दिख रहा था उसको पीछे से आ रहे, तो गाड़ी रोक दिया। इस मामले में सोमवार को दिग्रस पुलिस ने तीनों अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 392 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया था। थानेदार धर्मराज सोनूने के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विजय रत्न पारखी ने LCB दस्ते के साथ जांच शुरू करते हुए 24 घंटे के भीतर इस वारदात में शामिल संदिग्ध मोहसिन नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। दिग्रस पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। खबर लिखे जाने तक अन्य आरोपी फरार थे, जिनको ढूंढने के लिए दिग्रस पुलिस और LCB दस्ते का जांच सत्र जारी है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।